हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी सम फैक्ट्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, कि एक्चुअली व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट प्लेसेस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इम्पैक्ट पड़ता है. ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस. तो ग्रेविटेशन जैसे क्या है कि जो बात थी, है ना, आपने एक न्यूटन का नाम सुना होगा. जब न्यूटन की एज कितनी थी, 23 ईयर्स, तो ये बात थी 1665 की. कब की थी? 1665 की. तो न्यूटन ने एक ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप किया कि अगर सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, उसने गिरते हुए देखा, उसके बाद क्या हुआ कि सपोज एक यूनिवर्स में ऑलरेडी सपोज क्या हुआ ना कि जैसे कोई बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट टू डाउन टू द अर्थ, डॉन्ट टूवर्ड्स द स्काई, देन व्हाट इज द केस, है ना, देन गिव द सम थ्योरी एंड रिलेटेड दिस कॉन्सेप्ट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स इन कम टू द पिक्चर. ओके, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा स्पेशल टाइप का फोर्स है जो हमेशा कैसा होता है, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. एंड अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इट कैन बी आइदर रिपल्सिव और इट कैन बी अट्रैक्टिव. बट ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज व्हाट? अट्रैक्टिव इन नेचर. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है अमंग ऑल द फोर्सेस. क्या सर वीकेस्ट फोर्स होता है अमंग ऑल द फोर्सेस? यस, है ना. अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन करूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में अगर इसका एक मैं रेशियो कैलकुलेट करूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 10^-43 रहता है. किस किस का? ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो आप बोलेंगे 10^-43 रहता है. 10^43 रहता. ओके सर, तो ये सेकंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट क्या कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है. कैसा होता है सर? इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है. आप बोलेंगे सर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है. कैसा होता है सर? पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है. दैट मीन्स क्या हुआ कि वो आप किसी भी उसको रास्ते से करेंगे, जो वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वो कैसी होगी? सेम होगी. ओके, फिर दैट्स वाई वी कॉल इट एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है सर? कंजर्वेटिव फोर्स है. और वी कैन से दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ तो कि इट इज एक्चुअली सेंटर फोर्स एंड ऑलवेज लाइज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, है ना. जो भी सिस्टम होगा वो हमेशा किसकी ओर लगेगा? तो सेंटर की ओर लगेगा. तो आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा एक्चुअली क्या है? एक सेंटर फोर्स है. मैं कैसा क्या है सर? एक सेंटर फोर्स है. अगर मैं इसको बोलूँ तो ऑलवेज कैसा होता है सर? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, अगर मैं सेकंड नेक्स्ट पॉइंट भी लिखूँ तो आप बोलेंगे इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स, इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है. सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम? तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम मतलब अगर जैसे कोई सपोज एयर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी या फिर जो एयर के इनसाइड होगी, दोनों ही मीडियम में होगी, सेम होगी. दैट मीन्स क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है. तो मैं सम फैक्ट्स अबाउट रिलेटेड टू व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स. फर्स्ट पॉइंट था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेज. सेकेंड पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अ सेंटर टाइप फोर्स, दैट मीन्स टूवर्ड्स लाइज ऑलवेज सेंटर. फोर्थ पॉइंट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, दैट्स वाई वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. ओके, तो सम दीज आर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसके बाद क्या हुआ कि जो न्यूटन साइंटिस्ट था उसने एक पॉइंट डिस्कस किया कि सिर्फ सपोज यूनिवर्स में एवरी बॉडी, है ना, इन यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर विथ सम फोर्स, है ना. उसने क्या बोला कि यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, कुछ ना कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ फोर्स. तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें सर कितना फोर्स लगता है, ये तो हमने बता दिया कि सर फोर्स ना कुछ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन कितनी फोर्स के साथ कोई बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, देन दिस लॉ, दिस फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाई विद द हेल्प ऑफ व्हाट?
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसकी हेल्प से आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लुक एट दिस, अगर मैं थोड़ा बात पॉइंट की बात करूँ तो ये कि सपोज आपके पास एक बॉडी है और दूसरी बॉडी आपके पास ये है। सपोज दिस बॉडी हैविंग अ मास m1, दिस बॉडी हैविंग अ मास m2, सपोज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस सपोज r। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक्चुअली अगर मैं कितना फोर्स लग रहा है तो ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। हेयर द मासेस इज m1 एंड m2 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? तो r। सो दिस इज अ This is what? This is nothing but what? Newton's law of gravitation. So what is mean? That means क्या हुआ कि the mass of their, the product of their masses is directly proportional to what? Gravitational force, and the distance is in square of inversely proportional to the gravitational force. Okay? तो अगर मैं suppose लिखना, suppose I am removing this proportionality constant, then we can say here we can write like this also, G is equal to m1 m2 upon आर स्क्वायर। एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर सपोज। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? सो जी इज हेयर नथिंग बट व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ना। जो कैपिटल जी है ना सर, इसकी वैल्यू थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहती है सर? कॉन्स्टेंट होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका नेम क्या है? अगर मैं कैपिटल जी का नेम लिखूँ तो इसका नेम होता है सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्या लिखेंगे सर? इसका नेम क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या सर? इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? तो अगर मैं पॉइंट लिखूँ 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? तो इसकी आप यूनिट लिख सकते हैं सर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है सर, आई गॉट इट। तो सर ये तो कंसेप्ट हो गया कि ऐसा फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक मैं सपोज आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाउ द थिंग्स विल गो इन एग्जामिनेशन। जैसे आपके पास सपोज ना एक टू बॉडीज थी, है ना। मैंने एक केस अज्यूम किया, आपके पास टू बॉडीज थी, इसका मास सपोज क्या था? एम था। और इसका भी मास क्या था? एम था। इनिशियली द कंडीशन वॉज लाइक दिस, इनिशियली द कंडीशन लाइक दिस कि टू बॉडीज हैविंग अ मास सेम एम एंड एम and separated by a distance r, separated by a distance r, and these are acting a force called as f. Okay, the force acting between these bodies f. Now I am considering a case, suppose the distance between becomes double between these two bodies. अगर मैं इन दोनों के बीच में ना डिस्टेंस डबल कर दूँ, किसके बीच में सर? ये दो बॉडीज रखी ना, अभी कंडीशन ये थी कंडीशन नंबर, केस नंबर वन था ये। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये जो केस है ना, अभी जो डिस्टेंस आर थी, अभी मैंने देखो डिस्टेंस को क्या किया, मैंने डिस्टेंस को कर दिया डबल। बट हाँ, जो मासेस था उनका मासेस को मैंने सेम रखा। इसका मास कितना? एम। और इसका भी मास कितना? एम। अभी मैंने क्या किया, इन्हीं स्टार्टिंग में जो भी उनका डिस्टेंस था, पहले डिस्टेंस कितना था आर, मास कितना था एम दोनों का आर, है ना। तो मैंने अभी डिस्टेंस मासेस को दोनों को सेम रखा, डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो देखो मैं डिस्टेंस पहले आर था, अभी डिस्टेंस कितना कर दिया? टू आर। और अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ, अगर मैं ऑप्शन दूं कि व्हाट विल बी द राइट आंसर, न्यू फोर्स विल बी कितना होगा ना, अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि न्यू फोर्स कितना होगा, और आपको चार ऑप्शन दूं, एक है आपके पास 2f, एक है आपके पास fy2, एक है 4f, और ये लिखा fy4। तो एक बार आपको क्वेश्चन करने का ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन करने का ट्राई करना। ठीक है, एक क्या टू बॉडी है, उनके बीच में डिस्टेंस आर था, मैंने डिस्टेंस को क्या किया? डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इन टर्म्स ऑफ इनिशियल फोर्स, है ना। स्टार्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी तो मैं सॉल्व करता हूं, आप एक मिनट देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, फर्स्ट के केस में सिचुएशन में था, आप बोलेंगे एफ इजिकल टू एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस वॉज इक्वेशन नंबर वन। ओके, हाँ, इक्वेशन नंबर टू, सपोज मैंने अज्यूम किया फोर्स क्या एफ टू है, या एफ डैश अज्यूम कर लिया, एफ डैश, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो एम एम इंटू डिस्टेंस कितना है? टू आर। डिस्टेंस कितना है? टू आर। तो वी कैन से टू आर का होल स्क्वायर, द डिस्टेंस ऑफ टू आर बिकम्स वॉट? एम इंटू एम डिवाइडेड बाई वॉट? फोर आर स्क्वायर। तो इतने पार्ट को वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, वॉट इतने पार्ट को वी कैन राइट
write like this also. So the new force will be what? F upon 4. F upon 4. The new force will be F upon 4. The final answer of this question is nothing but what? F by 4. Na ki kitna? So agar hum suppose two bodies a system ka, agar hum kya kare un dono ke beech mein distance kya kar de, double kar de, to force kitna hoga sir? 4 times decrease ho jayega. Kya ho jayega? 4 times kya ho jayega? Decrease ho jayega. So I hope you understand ki what type of questions generally ask in examination like a NEET or JEE. So this is the very famous question. Okay, now I am taking a next question, okay, which is asked already in recent years. Okay, so look at this question. Question is like this. Okay, suppose two body having a mass, okay, two bodies having a mass suppose like this, okay, two bodies having a mass like this, initially they are having a mass m and they also having a minus m, like na aisa m. I am assuming such type of question. Initially both having the same masses, here is also m and here is also m, separated by a distance what? R. Separated by a distance r. Okay, separated by a distance r. Now I am explaining the question. Suppose 25%, okay, if suppose 25% of mass transferred from, this is point A, this is point B. Suppose I am 25% of mass from A transfer the to the B. I am transferring the mass 25% of A to the transfer of what? B. Then what will be the new force will be? Okay, so that means क्या हुआ अगर मैं इससे इसको ट्रांसफर कर दूँ, इससे अगर मैं 25% मासेस इसका ट्रांसफर कर दूँ सर, इससे किसको? ए से बी को. तो इस पर अब कितना फोर्स की जो वैल्यू होगी, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचूँ, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इनिशियली टू बॉडीज थी, ओके, टू बॉडीज थी तो उनके पास स्टार्टिंग में मासेस कितना था? एम, दोनों पे सेम था. मैंने ए वाले पॉइंट से 25% मास ट्रांसफर कर दिया, किस पे? बी वाले पे कर दिया. तो आपको ये बताना है कि उस जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ठीक है? तो 25% को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ? क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते सर आप. तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारे पास इनिशियली आप अज्यूम कर लो कि हमारे पास 100 रुपीज़ थे, 25% ट्रांसफर हो गए तो रिमेनिंग कितना बचा? तो 75% बचा ना. तो दैट मीन्स यहाँ पर 75% बचा होगा सर. यहाँ पर ऑलरेडी 100% था और 25% और आ गया, तो फिर यहाँ पर सर कितना हुआ होगा सर? 125%. यस, यू आर एब्सोल्यूट राइट. तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 25% को, दैट मीन्स मैं लिखूँगा m/4 ट्रांसफर कर दिया. यहाँ पर क्या कर दिया? m/4 ट्रांसफर कर दिया. और यहाँ पर ऑलरेडी था m और m/4 क्या हो गया सर? ऑलरेडी आ गया. तो आप इसको लिखेंगे सर 5m/4. और यहाँ पर सर रिमेनिंग कितना बचेगा? ऑलरेडी हमारे पास m था, m से m-4 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट जो आपके पास बचेगा वो सरेगा सर 3m/4 बचेगा. ये रिमेनिंग पार्ट न्यू फोर्स बचा. ये क्या बचा सर? न्यू फोर्स बचा. तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देना चाहूँ तो फोर्स इज नथिंग बट वॉट? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो प्रोडक्ट m1 आप लिखेंगे 3m/4 मल्टीप्लाई वॉट? 5m/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉट? आर स्क्वायर, ठीक है. 4 4 16 और 5 3 15, तो आंसर विल बी 15m² / 16r². दैट मीन्स अगर मैं इनिशियल फोर्स किसने को वैल्यू लिखूँ, इनिशियल फोर्स लिखूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इनिशियल फोर्स लिखूँ तो m×m/r². तो इतने फोर्स की वैल्यू को सर मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इतनी वैल्यू को आप लिख सकते हो सर F. तो न्यू जो फोर्स होगा सर F′ = 15/16 × F. तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और यही आई थिंक एग्जाम में गिवन था कि न्यू फोर्स कितना होगा अगर मैं 25% फोर्स जो मास है एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर दूं, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? जिससे हम ट्रांसफर करेंगे सर उस पर बचेगा 75%, और जिस पर जाएगा वो किस पर कितना होगा सर? 100 ऑलरेडी था, 125% हो जाएगा. फिर हम उसको ऐसा सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा? F′ = 15/16 F. तो आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली दे आस्क नाउ आर ट्रेंडिंग, है ना. नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ कि व्हाट इज द
कैपिटल जी और व्हाट इज द स्मॉल जी, ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल जी और व्हाट इज द स्मॉल जी। तो एक्चुअली मैं इससे बिफोर एक्सप्लेनिंग कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन द व्हाट इज द मास एंड व्हाट इज द वेट। तो एक टर्म लिखा हूँ मैं, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। तो जनरली मास इज डिनोटेड बाई एम एंड वेट इज जनरली डिनोटेड बाई डब्ल्यू। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि व्हाट इज एक्चुअली मास। हम बोलते हैं कि हमारा जो वेट है ना, हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा वेट कितना, 70 kg है ना। तो अगर मैं पॉइंट लिखूं कि द यूनिट ऑफ मास, अगर मैं यूनिट की बात लिखूं, द यूनिट ऑफ मास क्या होती है सर, kg, दैट मीन्स किलोग्राम, क्या होती है सर, किलोग्राम। अगर मैं सर इसकी बात लिखूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, तो वेट की जो यूनिट होती है, तो आप बोलेंगे सर इसकी यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन होती है क्या सर? यस। तो इसकी यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन, एंड जनरली डिनोटेड बाई एन। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो kg। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, तो यूनिट इज न्यूटन। बट सर हमने तो ऐसा सुना है कि जैसे हम मोस्टली प्रैक्टिकली जो बात करते हैं ना कि हमारा वेट 70 kg है, 60 kg है, तो वेट की यूनिट हम kg बोलते हैं। हाँ, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या है? यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग सर, रॉन्ग। हाँ, क्योंकि वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सर? यूनिट होती है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मास। सिग्निफिकेंस ऑफ मास क्या होता है कि मास एक्चुअली डिसाइडेड बाई इट्स शेप एंड साइज ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के शेप और साइज के अकॉर्डिंग हम किसी भी मास को डिफाइन कर सकते हैं। और इन थ्रू आउट द सिस्टम, वेन एवर यू गो एनी वेयर, आप कहीं भी जाएं दुनिया के अंदर, तो मास जो होता है ना वो एवरी वेयर क्या होता है, सेम होता है, और वी कैन से कॉन्स्टेंट इन नेचर होता है, और कहीं पर भी चेंज नहीं होता। वेयर एज वेट क्या करता है, वेट क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है या फिर कोई भी जो प्लैनेट है वो किसी बॉडी ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स के साथ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाट वेट। और वो डिफरेंट प्लैनेट पर से डिफरेंट होता है वेट। क्या सर मैं मून पर जाऊंगा तो वहां पर मेरा वेट डिफरेंट होगा? यस, वेट डिफरेंट होगा। तो मेरा सर अर्थ पर वेट डिफरेंट होगा? यस, बिल्कुल, यू आर राइट। तो क्या सर डिफरेंट प्लैनेट पर वेट डिफरेंट होता है? यस, डिफरेंट प्लैनेट पर वेट डिफरेंट होता है। बट अगर आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाते हो तो मास क्या होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ, बट आप वेट को मास में या मास को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो आज के बाद आपको एक डाउट नहीं आना चाहिए सर, मास की यूनिट क्या होती है, kg, और मास ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन नेचर। वेयर एज वेट की यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन। एंड वेट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस कि सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि आपके पास सपोज ये एक अर्थ है, ये क्या है सर, ये अर्थ है आपके पास, ओके, आपने मोस्टली देखा ही होगा। और ये आपके पास है मून, ये क्या है सर, मून है, ये क्या है, मून है। तो अगर एक सपोज एक पर्सन है, उसका यहाँ पर जो मास था, मास अज्यूम कर लिया मैंने 50 kg था किसी का, ठीक है, मास अज्यूम कर लिया किसी पर्सन का कितना था, 50 kg था, चलो थोड़ा हैवी था तो मैंने अज्यूम कर लिया, चलो 70 kg था, ठीक है, हेल्थी होगा, मोटा। अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट सपोज अज्यूम कर लिया कि वेट उसका था, वेट अज्यूम कर लिया मैंने कि, ठीक है, 120 न्यूटन था। कितना था? एक पर्सन है और उसका जो मास गिवन है 70 kg और उसका जो वेट गिवन है कितना, 120 न्यूटन गिवन है। सपोज ये पर्सन कहां पर गया, ये पर्सन अर्थ से कहां पर गया, ये गया मून पर गया, कहां पर गया, मून पर गया। तो व्हाट इज द मास एंड व्हाट इज द वेट ऑन मून विल बी, ठीक है। तो कंडीशन इज दिस कि आपको एक बार ट्राई करना, उसकी वीडियो पोस्ट करने का, अदरवाइज यू कैन टेल मी द आंसर। तो मैंने अभी क्या बोला कि सपोज व्हेन एवर अ पर्सन और बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट द मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो आप बोलेंगे सर जो मास की वैल्यू है ना वो कैसी रहेगी सर, मास हेयर देखे बिना 70 kg, मास कितना 70, तो हेयर इज ऑल्सो द कितना रहेगा, 70 kg रहेगा, ओके, क्योंकि मास ऑलवेज कॉन्स्टेंट है ना। वेयर एज वेट कितना के बना सर, 120 न्यूटन, कितना के बना। तो जब भी हम, क्योंकि एक्चुअली जो वैल्यू रहती है ना, जो वैल्यू रहती है मून पर, जो जी की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है सर, g/6 रहती है, कंपेयर टू व्हाट, अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में जो जी की वैल्यू मून पर होती है g/6 होती है। तो जो आपको कभी भी फाइंड आउट करना मून पर, अगर आपको वेट फाइंड आउट करना तो उसको 1/6 से डिवाइड कर देंगे, 1/6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी व्हाट, 120 डिवाइडेड बाई 6, तो इट बिकम्स व्हाट, 20 न्यूटन। तो आंसर क्या होगा, अगर आपके पास आंसर फाइंड आउट करना है तो वेट कितना था, 120 न्यूटन, कौन था,
अर्थ पर। अगर आपको मून पर वेट फाइंड आउट करना है तो आंसर विल बी व्हाट, 20 न्यूटन। तो आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। थैंक यू।